नमस्कार जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट क्योंकि आज हिजाब पर आने वाला है सुप्रीम फैसला। बस आधे घंटे का और इंतजार और आपको रहना है जी न्यूज़ के साथ क्योंकि इस खबर से जुड़ा हर पहलू बहुत ही बारीकी के साथ जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हर अपडेट सबसे पहले जी न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। हिजाब विवाद के लिहाज से बात की जाए तो एक ऐतिहासिक दिन आज आप इसे कह सकते हैं क्योंकि अब से करीब आधे घंटे बाद हिजाब पर देश की सर्वोच्च अदालत एपेक्स कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। करीब 11 महीने से जारी हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंतजार हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हर किसी को है, कोर्ट को यह तय करना है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब बैन का फैसला जो सुनाया था उसे सही करार दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। क्या देश की सर्वोच्च अदालत कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि भूले नहीं जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। था कि हिजाब जो है वो इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी अनिवार्य प्रथाओं में शामिल नहीं है। इस पर देश की सर्वोच्च अदालत क्या सोचती है, आपसे बस करीब 30 मिनट का इंतजार और इस सवाल का जवाब आपके सामने होगा। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई की बात करें तो 10 दिनों तक ये सुनवाई हुई। 22 सितंबर को इस बेंच को अपना फैसला सुनाना था, सुरक्षित रख लिया गया था, अब ये फैसला सुनाया जाएगा। बार बार आपसे कह रहे हैं जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए क्योंकि हमारी कोशिश लगातार ये रहती है कि हम आपको सिर्फ खबर दिखाएं उस खबर के मायने भी समझाएं। कर्नाटक से ये पूरा विवाद शुरू हुआ जनवरी के महीने में। उडुपी का सरकारी कॉलेज ये था जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसके लिए ड्रेस कोड का हवाला दिया था। इसके बाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी इसे लेकर विवाद फैला। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्राओं की तरफ से क्लास में इस बात को समझिए हिजाब पर पाबंदी नहीं है कर्नाटक में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो राइट्स हैं उसके तहत जो ड्रेस कोड आता है उसमें हिजाब पर पाबंदी का सवाल है, उसमें ड्रेस कोड में हिजाब पर पाबंदी है जिसे चैलेंज किया गया पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में, उसके बाद इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि आज ये सुप्रीम फैसला आप इसे कह सकते हैं क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला सुनाने जा रही है अब से बस थोड़ी ही देर बाद। और तरह तरह की दलीलें यहां पर रखी गई हैं और दो जजेस की ये बेंच है जो इस पर फैसला सुनाएगी 10:30 बजे। हर किसी को इंतजार है, चाहे वो सियासत हो या फिर जो पेटिशनर्स हैं वो हो या जो फिर इसके बाद डिबेट छिड़ी क्योंकि तरह तरह के आर्ग्यूमेंट यहां पर दिए गए। तो फाइनल फैसला अब से बस थोड़ी ही देर बाद। हिजाब विवाद को लेकर सवाल जिन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं, जिनके जवाब देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी का फैसला सुनाया और उसे अनिवार्य प्रथा नहीं माना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना इस्लाम की, क्या वो पाबंदी सही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कोर्ट के सामने। स्कूलों में हिजाब की मंजूरी होनी चाहिए या नहीं, यहां पर इस सवाल के फोकस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वो राइट्स हैं जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए हिजाब पर पाबंदी लगा सकते हैं, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिजाब को इस्लाम से जोड़ा जा सकता है। जब आप इस सवाल को देख रहे हैं तो भूले नहीं ईरान में हिजाब के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर इस्लाम का अहम हिस्सा है तो ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, आज ये सवाल भी उठना चाहिए। और बड़ा सवाल चौथा सवाल आप ये कह सकते हैं, क्या हिजाब को धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या इस पर रिलीजन की आड़ ली जा रही है और क्या इसके पीछे, और ये लाइन अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे आपने कई बार देखा और सुना है कि हिजाब विवाद के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये सवाल बार बार उठा है। इन सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। कई मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद सिंह हैं, राजू राज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं, विदई कानेकर मुंबई से हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको ये बता देते हैं मेरे और कई सहयोगी भी स्पेशल ब्रॉडकास्ट के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से, 10:30 बजे ये फैसला आएगा, हम बार बार ये पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं कि दोनों जस्टिस जो हैं वो अपना अलग अलग फैसला, उनके अलग अलग फैसले की बात कही जा रही है, इसे हमारे दर्शकों के लिए साधारण भाषा में सरल भाषा में बताइए इसका मतलब क्या होता है और ये कोर्ट की प्रक्रिया में किस तरह से मायने रखता है। बिल्कुल अदिति, लगभग 24 मिनट बाद ये फैसला आने वाला है और जो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट है उसके मुताबिक दो बेंच के जो दोनों सदस्य हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, दोनों ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। लेकिन दोनों अलग अलग फैसलों में क्या स्कूलों के अंदर हिजाब बैन को लेकर के एक राय है,
या नहीं, इसका पता तभी चलेगा जब फैसला पढ़ा जाएगा। यानी दो अलग अलग फैसले लिखने का मतलब ये नहीं कि दोनों जजों की राय हिजाब बैन को लेकर के अलग अलग हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। फैसला जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा कि दोनों अलग अलग फैसलों में हिजाब बैन को लेकर राय एक है या अलग अलग। अगर दोनों जजों की राय अलग अलग होती है तो ऐसी सूरत में ये मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा, तब हिजाब बैन पर आज का फैसला अंतिम नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि फैसले अलग अलग हैं दोनों जजों की, जो लिस्ट बता रही है, लेकिन दोनों फैसलों में एक राय है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बस उसके लिए राजू राज करीब 24 मिनट का इंतजार, बल्कि कहना चाहिए 23 मिनट का इंतजार। और सबसे बड़ा सवाल जो कोर्ट के सामने भी होगा, और जिसे लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब जो है वो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में हमने लगातार दलीलों में सुना सिखों की पगड़ी की बात की गई, और यह भी कहा गया कि अगर लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत ना मिली तो उन्हें मदरसा वापस लौटना पड़ेगा। इस सवाल को लेकर आपकी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हो रही होगी, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, इस सवाल का जवाब जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जो कोर्ट में दलील दी कि ये एक समानता लाने की बात है और क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को एक जैसा एक तरह की होना चाहिए इस बात का लेकर, लेकिन वहीं दलील दी गई, क्रॉस का हवाला दिया गया, पगड़ी का हवाला दिया गया कि जो सिख समुदाय के हैं वो पगड़ी पहन के आते हैं, लड़कियां हैं हिंदू धर्म से वो बिंदी लगा के आती हैं, और जो क्रिश्चियन सोसाइटी के हैं वो क्रॉस रखते हैं। तो ऐसे में ही सवाल होता है कि आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि जब पक्ष और तमाम पक्षों को इसमें सुना गया, उन छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुना जिन्होंने याचिका लगाई थी, लगभग 20 से ज़्यादा वकीलों को, संबंधित वकीलों को सुना गया, और उसके बाद आज का जो फैसला आएगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि अरविंद बता रहे हैं कि दोनों जजों ने अपने अपने जो फैसले हैं अलग अलग हैं, लेकिन उनकी राय क्या होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जवाब से करीब 20 मिनट बाद हमारे दर्शकों के सामने होगा, और जैसे जैसे ये ऑर्डर पढ़ा जाएगा हम अपने दर्शकों तक उससे जुड़े हुए दिखाएंगे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, और हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं, यास्मीन फारूकी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं, कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आजिक खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त हमारी कोशिश है इस खबर से जुड़े हर पहलू को हम अपने दर्शकों को सरल भाषा में समझाएं। जितेंद्र शर्मा, इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी उडुपी से, मुझे याद है आप वहां पर गए थे और वो कवरेज आपने की थी, और हमने कोर्ट रूम में भी बार बार सुना कि ये जो प्रोटेस्ट थे ये यकायक हुए, इनके पीछे एक साजिश का भी जिक्र किया गया था। देखिए अदिति, पूरी टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि क्यों हिजाब मुद्दा आखिरकार कर्नाटक में उठाया गया, और क्यों आखिरकार सिर्फ और सिर्फ पीयूसी कॉलेज यानी कि जो 11वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उसी में उठाया गया। दरअसल वहां पर पीएफआई का काफी बड़ा होल्ड था, और कुछ ही दिन पहले जब दिसंबर में इस विवाद को उठाया गया उससे कुछ दिनों पहले वहां पर एसडीपीआई जो कि पीएफआई की एक सहयोगी पॉलिटिकल विंग है उसने कापू जो इलाका है वहां पर अच्छी जीत हासिल की थी, और वो धीरे धीरे अपनी जड़ें वहां पर जमा रही थी। अब क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने हैं अगले साल में, उसको करके वहां पर अपनी वो जड़े जमाना चाहते थे, और जो पीयूसी में पढ़ने वाले छात्र हैं वो कॉलेज में चले जाते और वो वॉटर बन जाते, और उसी को लेकर के ये जो पूरी तैयारी की गई थी, ये मुद्दा उठाया गया था, सोच समझ करके उठाया गया था। और इस मुद्दे को उठाने के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि पीएफआई की एक स्टूडेंट विंग है वो इस मुद्दे के पीछे थी। जो पीयू कॉलेज की जो छात्राएं हैं, 6 छात्राएं हैं, उनसे हमने बात की थी और बार बार ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों हिजाब पहनना स्कूल में जरूरी है, क्योंकि वही छात्राएं अब से पहले यानी कि जब हम गए थे फरवरी में और दिसंबर में मुद्दा था तो उससे पहले वो छात्राएं वहां पर हिजाब पहन करके नहीं आती थी, लेकिन अचानक से वो छात्राएं हिजाब पहन करके वो स्कूल में आने की जिद करने लगी, बार बार समझाया जाने लगा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो हिजाब पहन कर के आएंगी। और धीरे धीरे ये मुद्दा जो है उडुपी से निकल करके कुंदापुर जो कि उडुपी के बगल में एक जगह है, और फिर पूरे कर्नाटक में और फिर पूरे देश में और विदेश में ये फैल गया, तो वहां से ये जो मुद्दा उठाया गया, पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई, तरह तरह के अधिकारों की दुहाई दी गई, राइट टू चूज की दुहाई दी गई, सियासत इस पर काफी हुई, बीजेपी पर यह लगातार आरोप लगे कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही महिला अधिकारों की बात की गई, राइट टू चूज की बात गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन इसे करार दिया गया था। कई खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, यास्मीन फारूकी, सबसे पहले यहां पर एक कमेंट मैं आपका चाहती हूं, उसके बाद वैदेही मैं आपके पास आऊंगी। दर्शकों को ये बताते हुए करीब 18 मिनट का वक्त बाकी है, जब ये सुप्रीम फैसला हिजाब को लेकर जो कि अपने आप में एक बड़ा विवाद रहा और आज हर किसी की निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हैं कि इन सवालों के जवाब जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए, और खासतौर पर कि क्या हिजाब इस्लाम की असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, उसे लेकर देश की सर्वोच्च अदालत क्या कहेगी, उस पर हर किसी की निगाहें, लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आपसे भी कह रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, क्योंकि जी न्यूज पर हमारी कोशिश सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, आप तक खबर से जुड़े हर पहलू को सरल भाषा में पहुंचाने की भी है। जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी, सबसे पहले यास्मीन फारूकी मैम, प्लीज।
देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपके चैनल पे, बार बार कह रही हूँ, अभी आपने ईरान का भी हवाला दिया, मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ईरान में कानून था कि हिजाब पहनना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे एक एहतजाज शुरू हो गया कि नहीं साहब हमें नहीं पहनना, जिसको चाहिए पहनेगा, जो चाहे नहीं पहनेगा। तो वहाँ कानून बनने के बावजूद कि कानून है कि आपको हिजाब पहनना ज़रूरी है, उसके बावजूद भी वहाँ एहतजाज शुरू हो गया। तो वो एहतजाज को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये अपनी मर्जी है, उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि जो पहनना चाहता है उसे पहनने दीजिए, जो नहीं पहनना चाहता उसको मजबूर मत कीजिए। जब हम ईरान को इस बात पे फेवर कर रहे हैं कि वहाँ के हिजाब को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे उस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे हैं? मेरा आज भी ये कहना है, कल भी यही था और उससे पहले भी यही है और आगे भी रहेगा, कि अगर कोई लड़की सर ढकना चाहती है ढक लो, दुपट्टा ओढ़ के अगर कोई अपने ड्रेस के साथ जाती है और सर कवर कर रही है, आज हमारे घरों में पुराने लोग आज भी घर सर कवर करना बेहतर और अच्छा समझते हैं, एक हमारी संस्कृति है। लेकिन मैम, हम बहुत सारे इश्यूज को यहाँ मिक्सअप कर रहे हैं। हिजाब पर पाबंदी नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और उनके राइट्स का मामला है। और जब हम ईरान की बात करते हैं, तो मैंने जब वो पॉइंट उठाया तो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में उठाया कि अगर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो सेलेक्टिवली नहीं होगी, तो वो सब पर यूनिफॉर्मली लागू होगी। मैं मेरा जो पॉइंट था, जो सवाल था, उस कॉन्टेक्स्ट में था। जल्दी से जयपाल हमारे साथ है, उडुपी से हमारे साथ है। जयपाल, वहां पर उडुपी में, क्योंकि पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ, हिजाब को लेकर बहस वहीं से शुरू हुई और फिर इस्लाम को लेकर जो तर्क और दलीलें कोर्ट में पेश की गई, उडुपी में इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी बात हो पाई हो, क्या आज क्लासेस हैं वहां पर, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए अदिति, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये उडीपी का यही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जहाँ पर से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, और यहीं पर दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते से ये विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट पहुँचा और आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में निर्णय देने वाला है। लेकिन इस वक्त कॉलेज बंद है, इसलिए कॉलेज के अंदर में स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन इस वर्डिक्ट क्या होता है इसको लेकर के सब लोगों को इसकी प्रतीक्षा है। प्रशासन की ओर से जो है कॉलेज के अंदर में सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। हालांकि हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जिन लड़कियों ने इस पटिशन को दाखिल किया, शायद वो निर्णय के बाद यहाँ पर आए या वो हमसे बात करना चाहें। ठीक है, इस वक्त ना तो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हैं ना ही छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उत्सुकता पूरे शहर के अंदर में जरूर है कि इस पूरे हिजाब विवाद को लेकर के दरअसल सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देती है। और जी न्यूज पर आप लगातार काउंटडाउन देख रहे हैं, सुप्रीम फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला होने वाला है। और जो सवाल है, जो लगातार आपने बीते दिनों में चर्चा में देखे, बहस में देखे, अब करीब 15 मिनट का इंतजार बाकी है हिजाब विवाद पर। देश की सर्वोच्च अदालत ये फैसला सुनाने जा रही है, 2 जजेस की बेंच है, ये बेंच क्या फैसला सुनाती है? जैसा कि मेरे सहयोगी अरविंद आपको लगातार बता रहे हैं, अगर दोनों जस्टिस एक ही लाइन पर फैसला सुनाते हैं तब तो कोई किसी तरह की वो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इनकी राय बटी हुई दिखाई देती है तो फिर ये लार्जर बेंच को भेजा जाएगा। 10:30 बजे ये फैसला आएगा देश की सर्वोच्च अदालत, हिजाब को लेकर जो विवाद रहा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हिजाब जो है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, साथ ही ड्रेस कोड में हिजाब पर पाबंदी को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन करार दिया गया था, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास वो राइट्स हैं उनकी बात भी कही गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत इस पर क्या महसूस करती है और क्या सोचती है, इस पर इन सवालों के जवाब आपसे करीब 14 मिनट बाद आपको जी न्यूज के माध्यम से मिलेंगे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट आपका लूंगी, उसके बाद विजयशंकर तिवारी, संक्षेप में अरविंद, किस तरह की दलीलें रखी गई? क्योंकि हमने जब दलीलें रखी गई तो उसमें हमने सिंदूर का जिक्र सुना, उसमें हमने सिखों की पगड़ी का जिक्र सुना, उसमें हमने इस तरह की दलीलें भी सुनी कि अगर हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी गई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो लड़कियों को मदरसा लौटना पड़ेगा। देखिए, तकरीबन 10 दिन तक सुनवाई चली है, 26 वकीलों ने दलील रखी है, लेकिन सार रूप में कहा जाए अदिति, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकीलों ने कहा है कि अगर हिजाब को ये मान भी लिया जाए कि वो इस्लाम की अनिवार्य परंपरा नहीं है, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तब भी इसे महिलाओं के अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 15, 21, 19 और 25 का हवाला दिया और कहा कि मूल अधिकारों पर तभी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जबकि वो 3 कसौटी पर खड़े उतरते हों, या तो वो नैतिकता या स्वास्थ्य या फिर पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो। हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है। सरकार का यह कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों ने खुद ड्रेस कोड तय किया है। सरकार का आदेश सिर्फ यह कहता है कि स्कूल के अंदर ऐसी ड्रेस होनी चाहिए ताकि एकता और सद्भाव बना रहे और बिना किसी धार्मिक विभेद के छात्र पढ़ सके। और यह जो सरकार का जो आदेश है वो रिलीजन न्यूट्रल है, यानी सिर्फ हिजाब पर बैन नहीं है, भगवा शॉल पर भी बैन है। तो सरकार ने साबित करने की कोशिश की है कि ऐसा कहना कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है इस आदेश से, वो गलत है।
ठीक है, जल्दी से एक और मिनट यहाँ पे विजय शंकर तिवारी आपका, जल्दी जल्दी प्लीज, उसके बाद कैप्टन सिकंदर रिज़वी। देखो अदिति, हिजाब वाले विषय को सारे देश में इस प्रकार फैलाने की कोशिश की गई जैसे सारे देश में हिजाब बंद है। सारे देश में तो हिजाब बैन नहीं है, केवल उस विद्यालय ने अपने ड्रेस कोड के तहत ये कहा था कि यहाँ पर एक जैसे आवे हिजाब पहन करके ना आवे, उस पर सारे देशों में विवाद हुआ। उसके उल्टा आप ईरान में देख लीजिए, हिजाब ना पहनने के लिए वहां पर लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, और वो बिल्कुल खाटी मुस्लिम देश है, बिल्कुल वहां का सेकुलर कानून नहीं है, इसके बाद भी वहां पर महिलाएं ये कह रहे हैं कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे। और भारत में इस बात पर एक आंदोलन चल रहा है कि नहीं, स्कूलों में भी हिजाब रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका विवाद नहीं करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यालय एक ऐसा केंद्र होता है जहां पर कोई धर्म जाति वर्ग छोड़ करके आदमी पढ़ने जाता है, तभी समता और समानता की उद्भूति होती है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट कैप्टन सिकंदर रिज़वी आपका। देखिए, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, कई बार मैंने इस बात को कहा है कि बाद में आपको वक्त दूंगी मैम, प्लीज एक कमेंट कैप्टन सिकंदर रिज़वी का प्लीज। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि ये कहां से बातें निकल करके आती है कि हिजाब जरूरी है। जिस इंस्टीट्यूट के अंदर एक उन्होंने अपने बायलॉज बना रखे हैं कि यूनिफॉर्म पहननी है और सब लोग बराबर हैं, तो सब लोग बराबर की जब बात होती है तो हिजाब जरूरी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर साड़ी पहनी जाती है, पाकिस्तान आर्मी की जनरल जो है बॉर्ड ढेर रखती है, वही से जितना ये इस तरह की बातें आती हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस पर कोई कट्टरपंथी नहीं कहता कि पाकिस्तान आर्मी की साड़ी क्यों पहनती है वहां की फीमेल, वहां की फीमेल बाल क्यों काटती है, हिजाब नहीं है पाकिस्तान आर्मी में। जनरल मनिक उनकी लेडी, उनको आप देख लीजिए अभी डायरी सर्च में, पाकिस्तान आर्मी की लेडी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल है, वो बॉब डेयर है, साड़ी पहनती है, ये सारा सब कुछ मुसीबत भारत के अंदर। ये सारे एग्जांपल्स रहे हैं, ये सारी दलीलें हैं, कई दलीलें रखी गई कर्नाटक हाई कोर्ट में भी और कई दलीलें रखी गई हैं देश की सर्वोच्च अदालत में भी, बार बार इस बात को दोहराते हुए अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।